तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एग्जाम टेकल 3D ऐप, और जिसमें आप कुछ इस तरह की इमेज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपका नाम भी लिखा है, और ऐसी ही टिकटॉक पे आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आप ऐसी इमेज क्रिएट कर लेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऐसी इमेज क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा अपने गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद आपने इधर बिंग इमेज क्रिएटर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप सेम ये काम अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस इमेज क्रिएट कर ले रहे हैं तो आपको चाहिए होगा माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया जहाँ पे आप आसानी से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप उसमें डिटेल के साथ सब कुछ बताया हुआ है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब आपको चाहिए होगा प्रॉम्प्ट। जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाए तो आपको डिस्क्रिप्शन से प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट आपने डिस्क्रिप्शन से कैपी कॉपी करना है, लास्ट में आपको बताता हूँ। तो प्रॉम्प्ट जब आपने पास कॉपी कर लेंगे तो अब आपको इसमें करने होंगे कुछ चेंजेस। जैसे कि आपने इस पे अपना नाम लिखवाना होगा, तो आपको इधर इकरा की जगह अपना नाम टाइप कर लेना है। नाम टाइप करने के बाद अगर आपको इसमें मजीद कुछ चाहिए तो आपको भी कर सकते हैं। जैसे येलो एंड ब्लैक शेरवाल का मिल, तो आपने इसको पिंक भी कर सकते हैं। आप जो आपको ईजी लगे आपने वो इधर लिख लेना है। लिखने के बाद आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद हम वापस आएंगे अपने इमेज क्रिएटर में। इमेज क्रिएटर में जैसे ही हम वापस आएंगे तो आपको ये लाइन जो नजर आ रही है आपने इधर अपना फ्रेम पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद आपको पिंक कलर की जो क्रिएट बटन लिखा हुआ आ रहा है आपने सिंपल इस पे टाइप क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस पे आ जाएंगे। तो अभी आपको 20 से 25 सेकंड लगेंगे इमेज क्रिएट होने में। इतने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली ऐसे अमेजिंग 3D आई प्रॉम्प्ट वाली वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ जी। तो आप देख सकते हैं इसने हमें इमेज क्रिएट करके दे दिया है। आईडी कार्ड पे हमारा नाम भी लिखा आ रहा है, और देख सकते हैं इसने कुछ इमेजेस भी कलर कर दिए हैं। अगर आपको ये सही नहीं लगती तो आप चाहे दोबारा क्रिएट बटन पर क्लिक करके ऐसी इमेज दोबारा क्रिएट करवा लेना। अगर आप इसमें ड्रेस वगैरह का कलर चेंज करना हो तो आपने सिंपल इतना करना है, यहाँ पे येलो की जगह आपने पिंक लिख लेना है। जो आपको चाहिए हो आपने वो लिख लेना है। जैसे ही आप नाम लिख लें तो आपने दोबारा वापस आके इधर पेस्ट कर देना है। अब आपको HTML इमेज डाउनलोड कैसे करनी है मैं बताता हूँ। सिंपल आपको जो पिक्चर पसंद आए उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपको HTML में डाउनलोड करने के लिए ये जो डाउनलोड का बटन आपको नजर आ रहा है, आपने हमेशा इधर से इमेज डाउनलोड करनी है। इससे आपकी इमेज की रेजोल्यूशन नहीं ब्लर होती, और होती भी HTML में डाउनलोड है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके नेम की DP लगाऊं, तो आपने अपना नाम कमेंट कर देना है, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपका नाम यूज़ करूँगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।